Temenannya udah seperti ini. हाय दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सैमसंग 2876 को कैसे रिफिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं, यहाँ से पेचकस के सहारे से हम इसे ओपन कर लेंगे चारों साइड से। ये हमारा ओपन हो गया, अब इस साइड से भी ओपन कर लेंगे। दोस्तों इसमें लॉक होता है, ध्यान से करना होता है। और ये भी आपका ओपन हो गया। उसके बाद दोस्तों इस वाले ढक्कन को हम, ये पीला वाला होता है इसका, इसको अलग रख देंगे और इस ढक्कन को हम यहां से निकाल देंगे आराम से। देन इन स्क्रू को खोल लेंगे, इसे ब्लेड कहते हैं, ब्लेड को खोल के अलग कर लेंगे। ये हमने ब्लेड ओपन कर लिया है। और देन इसका ये आपका रूलर होता है, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। इस तरह ओपन करके इसे अलग रख लेंगे यहां पे, ये ब्लेड ओपन करके अलग रख लेंगे यहां से। और सैमसंग स्पेशल कार्टिज होती है, उसे इसमें रिफिलिंग करेंगे। मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपकी सैमसंग की आती है स्पेशल सैमसंग। इसे सेक कर लेंगे, हिला लेंगे थोड़ा सा डालने से पहले, हल्का सा छेद कर लेंगे इसमें और इसको हम इसके अंदर पलट देंगे। पूरा भर लेंगे इसे हम। अब इसको थोड़ा सा मार लेंगे जिसे अंदर चला जाए, इसे किसी भी आप प्लास्टिक के सहारे से इसे मार सकते हैं, ठोक सकते हैं हल्का हल्का। इस रूलर को आप घुमा सकते हैं जिससे कार्टिज के अंदर गिर जाए। देन का छेद थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको पूरे को पलट लेंगे इसमें। इसे थोड़ा हिला लेंगे, शेक कर लेंगे इसे। देन दोस्तों कपड़े के सहारे से हम इसे साफ कर लेंगे, जो आपकी वेस्टेज यहाँ चारों साइड डल गई है। साफ कर लेंगे, ये जो आपका गंदगी है इसे बिल्कुल साफ कर लेंगे दोनों तरफ से, जो कि इसके ऊपर आ रहा है। देन आपका सबसे पहले ब्लेड को लगाएंगे, ये हमारा ब्लेड है। चाहो तो इसे साफ कर सकते हो, नहीं साफ करने की जरूरत नहीं है, इतना बस आपको फूंक मार देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लेड है तो साफ ही रहता है इसके अंदर। बस आपको इसके अंदर फिट कर देना है इसे। देन क्या करना है, ये आपका पीसीआर है, इसको इसमें लगा देना है इस तरह। देन दोस्तों ये पीला वाला इस साइड लगाना है आपको, और देन ये जो आपका प्लास्टिक का कवर है, इसका आउटपुट कवर कहते हैं इसे, इस कवर को आपको इसमें लगा देना है। और कवर लगाने से पहले हमें नट लगाना नहीं भूलना है, नट को भी टाइट करना है, जो कि मेरे ध्यान से उतर रहा था, नट को भी हम यहां से टाइट कर लेंगे। हमने टाइट कर लिया है, अब ये कवर लगाएंगे दोस्तों हम इसमें, ये कवर इसके अंदर फिट हो जाएगा, फंस जाएगा इस तरह, ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है इसमें, देखिए दोस्तों। देन इस साइड का लगाएंगे पहले, इस तरह फिट हो जाता है इसमें, इस तरह दोस्तों देख लीजिए। और देन आपका इस साइड का, तो दोस्तों ये हमने सैमसंग 2876 की रिफिलिंग कर ली है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंटर में एज इट इज लगा देना है, तो हम आपको लगा के भी दिखाएंगे कैसे लगा करना है। और इसको बता दो दोस्तों, इसमें एक स्टिकर होता है, चिप कह सकते हैं, चिप होता है, तो चिप में आपको पन्नी लगा देनी है। ये चिप होता है यहाँ पे दोस्तों, तो इसमें आपको ओनली पन्नी चिपका दिया, टेप चिपका दीजिए वो चालू हो जाता है, चिप चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये हमने इसमें इस तरह लगा दिया। तो दोस्तों 5 मिनट के अंदर आप रिफिलिंग कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा
आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अप टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।